एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को देखकर आप बोर भी हो सकते हैं तो कृपया अपने ही रिस्क पर देखें, धन्यवाद। ठीक है समरिया। मेरी स्कूल लाइफ 3 बारी में कंप्लीट हुई है। पहले मैंने UKG LKG की न्यू दिल्ली कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, फिर मैंने 1st to 10th किया KPS कैनेडी पब्लिक स्कूल से, एंड उसके बाद 11th 12th की मैंने SBV No. 2 पालम एनक्लेव और बागवाला, पता नहीं इस स्कूल को बागवाला क्यों कहते थे। हाँ बस इस स्कूल में मजे बहुत आए थे, जितने भी दिन रहा मैं इसमें। तो अगर बात करें कैनेडी की, तो ये स्कूल बेस्ट रहा है मेरी लाइफ में, एंड इस स्कूल की शुरुआत होती थी प्रेयर से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स और टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे द असेंबली इज हेल्ड बाय क्लास 8, सो लेट्स जॉइन आवर। बट हाँ, इस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था कि ड्यूरिंग प्रेयर कोई प्रिंसिपल है और वो बड़े बड़े लेक्चर दे रहा है और बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एंड इस स्कूल में एक लौंडा था जो सो कॉल्ड अमीर था, मतलब पैसे थे उसके पापा के पास, तो कुछ ज्यादा ही बनता था पूरी क्लास में। आए दिन हर किसी की सीट पर कब्जा कर लेता था, एग्जाम में अंडा लेकर आता था, एंड भीम सर से पिटता भी था। तो सर पढ़ते क्यों नहीं हो तुम, एग्जाम में 0 मिला है तुम्हें। नालायक हंसता है, पढ़ता भी नहीं है, चल हाथ निकाल अपना। सर मैंने तो पढ़ा था लेकिन आपने नंबर ही नहीं दिए और अब आप मेरे को मार भी नहीं सकते हो। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ भाई। कैसी लगी आगे स्वाद? चल बैठ जा और चल अपने पापा को बुला के ले आओ, समझा? नहीं मार सकते हो। वैसे तुषार नाम था उसका, तुषार अगर गली में मिल जाऊं तो मारियो मत यार, वैसे क्या ही कर लेगा। साले तुषार, साले तुषार। कुछ ओवर मैच्योर बंदे भी थे जो हमेशा WWE के बारे में बात करते रहते थे एंड क्रिकेट के बारे में, एंड क्रिकेट तो भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था एंड WWE भी बिल्कुल पसंद नहीं था, बट बात तो करनी थी ना उनसे, तो मैं भी खड़ा हो जाता था उनके पास जाके शो ऑफ करने के लिए। क्या मस्त मैच था ना कल का, खली ने क्या पटकी दी उनको ना। साले कल खली का मैच था ही नहीं, कल अंडरटेकर और जॉन सीना का मैच था। अच्छा वो अंडरटेकर तगड़ा था ना, तो मुझे लगा वो खली है। चूतिया कहीं का। तो इस हिसाब से उन्हें पता था कि मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो जब भी कोई स्पोर्ट्स पीरियड होता था तो क्रिकेट ही वो हमेशा खेलते थे, एंड भले ही स्कूल की आंटी को ले लें लेकिन मुझे नहीं लेते थे। अमित तू आजा, वंश तू आजा, तुषार तू आजा, मुकेश तू आजा, अभिषेक तू आजा, नेगी तू आजा, हाँ तू आजा, तू आजा, तू आजा, आंटी आप आ जाओ। तो इसलिए मैं लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेलने चला जाता था। और जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाते थे वैसे वैसे कुछ नए नए ट्रेंड्स भी आते जाते थे। तो क्लास 5th में ट्रेंड आया था पेन फाइटिंग का, और पेन फाइटिंग तो भाई सब पूरी फ्री पीरियड में चलता ही रहता था, टीचर्स के सामने भी टीचर्स के बाद भी हमेशा वही खेलते रहते थे, एंड मेरे घर वालों की तरफ से तो साफ मना था विद्या की चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं खेलना है, एंड मैं भी काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था और जैसे ही पैन नीचे गिरता मैं तो सीधा कृष्णा 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा एंड मेरी भगवान में कुछ आस्था भी ज्यादा है। अच्छा ठीक है। स्कूल टाइम पे मेरी हाइट बहुत छोटी थी, वो तो अभी भी है वैसे, इसलिए मैं लाइन में सबसे आगे लगता था। ऊपर से मेरे हेयर स्टाइल भी चुमू वाले थे और वो अभी भी ही है, इसलिए क्लास में मुझे कोई अटेंशन भी नहीं मिलती थी और तब मुझे छोटा छोटा कहकर बुलाते थे। क्लास की लड़कियां तो मुझसे मैग्नेट के सेम बोल की तरह रिपेल करती थी। सबकी हाइट बढ़ते जा रही थी लेकिन मेरे ही अंदर पता नहीं ऐसा क्या था कि मेरी हाइट बिल्कुल रुकी ही हुई थी, बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही थी। फिर क्लास 9th तक मूव होते होते काफी फनी गाय बन गया था मैं। लड़कियों से मेरा संबंध केवल कॉपी के आदान प्रदान का था और कभी कभी तो वो भी नहीं देती थी, लेकिन तुषार जैसे लौंडों से तो चिपकी रहती थी। तुषार हो गया, सोनू हो गया, साले पूरी क्लास के सामने प्रपोज कर रहे हैं। एंड क्लास 6th, 7th से लेकर 10th तक नए नए छपरी लौंडे सरकारी स्कूल के आने लग गए थे। आज पटेगी तो कल मौज करेगी आ मेरी जान, सॉरी छपरी नहीं मतलब कूल गाइस, उनसे तो लड़कियां छिपकी रहती थी, यहाँ तक कि क्लास की टॉपर्स भी। बट मेरे जैसे लौंडों से बात नहीं करती थी। मैं तो स्कूल टाइम पे बहुत सीधा साधा था, तो मैं तो या तो अकेले बैठता था या एक दो दोस्त थे मेरे, मैं तो उन्हीं के साथ बैठ के बातें करता था बस बेफालतू की। ओए रोहित, तू स्कूल से घर जाने के बाद क्या करता? कुछ नहीं भाई, नहाता हूँ, धोता हूँ, खाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, वहाँ मार खाता हूँ, घर आता हूँ, फिर मार खाता हूँ, बस यही चलता रहता है। तो हाँ भाई सेम मेरा भी यही है। अच्छा ठीक है ठीक है। 9th में मैं काफी वीक भी हो गया था स्टडीज में, तो पीटीएम वाले दिन सबको डांट पड़ती थी और ये भी पड़ती थी। एंड एक दिन क्या हुआ, मैं भूल गया मम्मी को बताना एंड मेरे को वहीं बिठा दिया क्लास में और मेरे को छोड़ा 3 बजे करीब, जबकि क्लास की छुट्टी हो जाती 1:30 बजे। या कहूँ मैंने मम्मी को उस दिन बताया नहीं था। आई होप मम्मी ये वीडियो ना देख रही हो। रोहित तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक नहीं आए, तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, जाओ बैठ जाओ चुपचाप अपनी सीट पे। वीडियो यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत कोशिश करी थी मैंने थोड़ा फनी बनाने की बट बनी नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट्स में बताना जरूर। और इस एनिमेशन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे और काफ़ी इसमें डिटेल करने में तो और भी ज़्यादा टाइम लगा है, तो सॉरी फॉर डैट गाइस, मुझे टाइम लग गया ज़्यादा बिकॉज ऑफ एनिमेशन। और उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काफ़ी कोशिश करी थी मैंने इसे फनी बनाने की और आपको एंटरटेन करने की, तो मेरे ख्याल से शायद ये बनी नहीं है, कमेंट में बता देना ज़रूर। और तो वीडियो खत्म, भाग यासे পলম হব পাতত আৰু হব চাগে ৰাতি, যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী। আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, আমিতো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ। ই হাঁহিছে দুখতে, হৈছেগে পগলা, জাগিছে ভোকতে, ই মাগিছে শান্তি, পাহৰি কষ্ট হাঁহি তাৰ মুখতে, ই ভাগিছে বিষাদ নীৰৱে অকলে।